हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई एम रजत गावड़िया, वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए क्लास 9 स्टूडेंट्स, बात हो चुकी है थोड़ी सी पुरानी की, द फंदे हेड की कर खत्म कर चुके हम जुबानी। ठीक है, पूरा क्लास 9th का जो हमारा पहला चैप्टर था कौन सा, द फंदे हेड, अच्छे से कंप्लीट किया था। कैसे कंप्लीट किया था, बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव समरी, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट था कौन सा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। बहुत आपको लिखने का जो तरीका ना अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका। अगर नहीं देखे वो वीडियो तो जरूर जाके देखना, क्योंकि द फंदे हेड, क्योंकि अभी बेसिकली देखे जा रहे हैं सिचुएशन। अभी सिचुएशन ये है कि बहुत आपके आने वाले हैं क्या यूनिट टेस्ट, क्या आने वाले हैं आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, और ये यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे मई लास्ट वीक के अंदर। मई लास्ट वीक, इनका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, या तो वो होंगे मई के अंदर लास्ट वीक के अंदर, या वो होंगे जून फर्स्ट वीक के अंदर, जून की जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर। और मैं और बेसिकली देखा जाए सिलेबस के अंदर या तो वो देंगे द फंदे हेड दे देंगे, एक ही रोड नोट टेकन दे देंगे। इसके अलावा अगर ज्यादा करना हो, क्योंकि काफी स्कूल होता है थोड़ा एडवांस में चलते हैं, तो वो साउंड ऑफ म्यूजिक और आपकी जो बुक है ना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रीडर की बुक मूवमेंट्स, उसके अंदर का उसका जो पहला चैप्टर है वो दे सकते हैं, इतना ही मैक्स है, इससे ज्यादा वो देंगे नहीं। ठीक है, और मैं ये सारी चीजें आपको मई लास्ट तक अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इस हफ्ते इस महीने का तो हमारा है कि द फंदे हेड और पोएम हो जाएगी। अगले महीने के अंदर हम क्या करेंगे, द फंदे हेड और आपका मूवमेंट का जो पहले चैप्टर है ना, क्योंकि 9th क्लास की बारी सबसे पहले आ जाती है, तो आप लोगों का सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के जैसे हमने पिछली बार द फंदे हेड को भी बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिला था, अब उसी द फंदे हेड के अंदर एक मोटिवेशनल कोट ने एक आग सी लगा दी थी बच्चों के मन के अंदर कि यार अब अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर। तो उसी तरीके से एक आग सी इस चैप्टर इस पोएम के अंदर भी करवाते, हालांकि बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा बड़ी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो चलेगा ना जिसका वही जीतेगा, क्योंकि ये क्या है, ओपन बुक एग्जाम की खिचड़ी है, बहुत हर के से नहीं खाई जाती, जिसका ये चलता है वही खाता है ओपन बुक एग्जाम की खिचड़ी। तो अगर आपको भी ओपन बुक एग्जाम की खिचड़ी का स्वाद लेना है तो यहाँ से क्लियर रहना पड़ेगा कि बॉस कंसेप्ट सारे क्लियर है, कोविड का कहना चाहता है उसके मतलब क्या है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, हर एक चीज को यहाँ से क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सी लाइन आप लोगों के सामने कहता हूँ कि बॉस कि समय अच्छा नहीं होता, इंसान को अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। साथ साथ बोलना, ठीक है, कि बहुत समय अच्छा नहीं होता किसी का, इंसान को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी किसी का नहीं आता, सही समय को जिंदगी में लाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो लाइफ है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर जाए, तो सही डायरेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, टफ चॉइसेस बनानी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को टफ चॉइसेस बनानी पड़ेगी। अब एक चीज बताओ, इसी के अंदर ये टफ चॉइसेस बनानी पड़ेंगे आपको लाइफ के अंदर। अब इस टफ चॉइसेस को अगर आपको दो चॉइसेस दे दीजिए कि आपको किस हिसाब से, या तो आपको सोए रहना है, या तो आपको आराम से सोए रहो, या जागो उठो स्टडी करो। देखो दोनों के अंदर स्टार्ट दोनों ही ऐसे होते हैं, लेकिन किसको आप चूज करोगे वो आपकी लाइफ और आपकी जो आने वाली तकदीर है उसे बदलेगी। और यही जो चीजें है ना, यही आज की जो पोएम हमारी वो भी हमें यही चीज सिखाना चाहती है कि बॉस कि बॉस जिंदगी के अंदर बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, आपको दो तरीके से रोड्स मिलते हैं, या तो चॉइस नंबर एक चॉइस नंबर टू, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या आप कौन सी चॉइस को अडॉप्ट करते हो, और वही चॉइस आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। हर एक एस्पेक्ट के अंदर लाइफ के अंदर चॉइसेस की हमें जरूरत पड़ती है, और ये आपको ही नहीं हर किसी को जरूरत पड़ती है। और जो चॉइस के अंदर अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना कि अपने आप को जो पुश करेगा, जो हार्ड डिसीजन लेगा वही तारों की तरह चमकेगा, और जो एकदम इजी डिसीजन ले लेगा हल्के फुल्के वो आराम से पिट जाएगा, और इसी आम जनता की जो भीड़ है ना, इसी आम भीड़ के अंदर समा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर हमारी अमेजिंग पोएम को। तो सबसे पहले थोड़ा सीन बता देता हूँ, सीन कहां पे चल रहा है। तो हमारे जो सीन है ना पोएम का, तो ये जो हमारी पोएम है इसके अंदर तो हमारे ये जो पोएट साहब है, ठीक है, हमारे पोएट कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारे ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर है ना, अब यार ये है ना एक्चुअल कहते हैं दुविधा के अंदर है कि यार मैं पोएट बनूं या ना बनूं। ठीक है, इन्हें क्या दुविधा आ रही है इनके मन के अंदर, इनके मन के अंदर एक क्वेश्चन है कि जैसे आप लोगों के मन के अंदर होगा ना अभी क्लास 9 के बाद क्लास 10th के बाद, यार मैं मेडिकल लूं कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, या मुझे आर्ट्स के अंदर आईपीएस या यूपीएससी की सर्विसेज के अंदर जाना है, आपके पास चॉइस आएगी। तो उस टाइम आप जो चूज करोगे वही आपके आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि यार मैं अपना, मुझे एक चीज जो है पोएट्री करना ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या मैं इस अपने पोएट्री के ये जो पैशन है इसे मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं,
क्योंकि हर किसी के मन में होता है ना, जैसे आप में से कभी किसी को क्रिकेट खेलना, कोई भी गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, आपको एक्टिंग करना, डांस वांस करना, ये सारी चीजें पसंद होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या मैं इस चीज को एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, क्या इस करियर के अंदर मैं बढ़िया फ्यूचर सेट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे एक पर्सन के दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनके दिमाग में भी क्वेश्चन है कि क्या मैं पोएट बनूं या ना करूं, क्या मैं अपने पैशन को फॉलो करूं या ना करूं। और अगर मैं इस पैशन को फॉलो करता हूं, जैसे हर किसी को होता है, जैसे काफी लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्टिंग में देखा जाए कितने लोग सक्सेसफुल है एक्टिंग के अंदर, काफी लोग होते हैं स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाद में ठप हो जाते हैं, है ना। ऐसे देखा अगर मैं आप लोगों से बात कर जाए 90s के हीरोज को ले लेते हैं, ठीक है, 90s के हीरोज के अंदर अभी तक कितने सारे हीरोज आए थे, लेकिन आज अगर देखा जाए कितने सारे हीरो होंगे, आराम से 30 से 40 हीरोज होंगे, लेकिन आज के टाइम के अंदर मैं जनरली बात करूं तो आज के टाइम में से 5 हीरोज हैं जो अभी भी टिके हुए हैं, जिनमें से भी इन 5 में से भी 2-3 की आजकल हालत खस्ता चल रही है। अगर मैं 5 की बात करूं तो एक हो गया हमारे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार। इन 5 के अलावा आप कोई और नाम बता दो, इन 5 सुपरस्टार्स के अलावा ऐसे कोई नाम जो कॉन्स्टेंटली चलता रहे, नहीं चलता रहा बॉस, क्योंकि लाइफ के अंदर ये जो डिसीजन है ना एक्टिंग जैसी फील्ड के अंदर जहां पे इतना भरपूर पैसा है, वहां पे भी अगर स्योरिटी नहीं है तो वैसे ही एक स्योरिटी इस पोएट्री की लाइन के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगी। आप अपने माँ बाप से कह के देखो, राइटर बेटा राइटर क्या होता है, राइटर के अंदर क्या कर लेगा, तो क्या उखाड़ लेगा राइटर बन के, ये सारे फैक्ट्स आएंगे उनके मन में भी आएंगे, और वहां पे वो गलती नहीं है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह, इसलिए वो ये सवाल पूछेंगे कि बॉस राइटर बनने के अंदर क्या स्कोप है, क्या करेगा राइटर बन के, कितना कमाएगा राइटर बन के। तो सेम जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के मन में आ रहे क्वेश्चन सारे कि यार मैं पोएट बनूं या ना बनूं, मैं मेरे पैशन को फॉलो करूं या ना करूं, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस रेट है ना, सक्सेस रेट वो अल्टीमेटली देखा जाए जितनी भी ये जो फील्ड होती है इस तरीके की, इसके अंदर 0% होता है। आप ही बता दो यार, चलो आप लोगों से पूछता हूँ, कोई भी मुझे 10 पोएट्स के नाम बता दो, ठीक है, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा, आगे आगे और बताओ। सर सोच तो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये तो बात है बॉस, ये जो आर्टिस्टिक लाइन होती है ना, इसके अंदर नाम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, एक बार के लिए बच्चा कुछ भी कर लेगा, लेकिन इस लाइन के अंदर, इस लाइन में आना और इस लाइन में नाम बनाकर टिके रहना वो बहुत मुश्किल है। अभी बात कर ली मैंने, 30 से 40 साल हो गए, 30 40 साल में क्या आपको एक चीज बताओ, 30 40 साल में से भी 5 ही सुपरस्टार्स आए थे, जिनमें से आजकल सलमान खान और आमिर खान की तो हालत खस्ता चल रही है, अक्षय कुमार की भी, इनमें से 5 में से भी 3 की हालत अभी खस्ता चल रही है, 2 ही टिके हैं। अगर देखा जाए इन चीजों के बारे के अंदर तो ये कितना मुश्किल है और कितना टफ है इन लोगों के लिए अपने लाइफ के अंदर ऐसे डिसीजन बनाना। तो ये कहानी है ही ऐसे डिसीजंस के बारे के अंदर जहां पे पोएट है ये यहाँ पे खड़े रहे हैं, ऑटम का मौसम चल रहा है और इनके सामने 2 रोड्स हैं, क्या है इनके सामने 2 रोड्स हैं, यहाँ पे है रोड नंबर 1, क्या है ये रोड नंबर 1 और ये है आपकी रोड नंबर 2। डिसीजन आपके हाथ में बॉस, क्या आपको पोएटिक लाइन जो है आपको पोएट बनने का अपना पैशन को कंटिन्यू करना है तो रोड नंबर 1 को चूज कर लो, और अगर नहीं करना तो रोड नंबर 2 को चूज कर लो, चॉइस आपके हाथ के अंदर है, लेकिन एक बार जो चॉइस बना ली वो वापस नहीं आएगी और यही चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको बैकग्राउंड सारा समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। मैंने काफी बार देखा है जो काफी इंग्लिश की वीडियोस के अंदर क्या होते हैं, सीधा स्टैंजा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो आपको पहले एक बैकग्राउंड देना पड़ता है कि पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोएट का दिमाग जान लो, क्योंकि अगर आपने पोएट का दिमाग जान लिया तो आप इस पोएट से ना रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उसने पोएट्री तो खुद के लिए लिखी है ना, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, खुद की सिचुएशन को दुनिया को बताने के लिए, तो आपको जब पता चल जाएगा कि पोएट क्या कहना चाहता है हमसे तभी तो बात अच्छी बनेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना ही मेरा मेन मोटिव है। चलो तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैंजा नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और हाथ के अंदर पेंसिल जरूर रखना बॉस, मैं जो जो वर्ड मीनिंग्स लिखूं अच्छे से लिखने, अपनों को कोई कमी नहीं छोड़नी बॉस, मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला और आप लोगों को भी कोई कमी नहीं छोड़नी। अगर टफ डिसीजन बना लिया इस साल जीतने का, अगर टफ डिसीजन बना लिया ना इस साल जीतने का, तो जीत के दिखाएंगे और कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोक सकेगा उस दिन, ठीक है। बस मन को मजबूत रखना और टफ डिसीजन लेके बढ़िया तरीके से लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 के साथ। 2 रोड्स डाइवर्स, अब यहाँ पे डाइवर्स साथ साथ मीनिंग लिखना, ठीक है। 2 रोड्स डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सेपरेट होना, जैसे मैंने दिखाया ना अभी जो 2 रोड्स है, अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पॉइंट करें, ठीक है, ये जो एक रोड थी ये डाइवर्स, ओके, डाइवर्स मींस सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, यहाँ पे ये जो रोड थी ये विभाजित हो चुका है, विभाजित मींस डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट्स के अंदर, देखिए बस यहाँ पे इधर से उधर जाने में मुझे टाइम लगता है, ओके। 2 रोड्स डाइवर्स, डाइवर्स मींस सेपरेटेड और टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, 2 रोड्स यानी कि एक रोड क्या हुई डाइवर्स होगी 2 अलग-अलग रोड्स के अंदर, ठीक है। 2 रोड्स डाइवर्स
इन येलो वुड, येलो वुड का मतलब समझ लो कि ये जो डाइवर्जन हो रहे यहाँ पे एक येलो वुड है। येलो वुड का मतलब क्यों, यानी कि जो पत्ते हैं यहाँ पे वो जो पत्ते हैं जो पेड़ के वो येलो कलर के अंदर है। अब येलो कलर के अंदर ये कुछ मतलब बना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत कौन सा मौसम चल रहा है, ऑटम का मौसम चल रहा है, पतझड़। ठीक है, इसे कहते हैं ना पतझड़, मुझे लिखना नहीं आता, पतझड़ शायद ऐसे लिखते होंगे। पतझड़ का मौसम चल रहा है, बहुत ऑटम का मौसम चल रहा है, और ऑटम के मौसम के अंदर क्या होता है, ये जितने भी पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, येलो कलर के अंदर हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, नीचे गिरने लग पड़ती है। एक ऐसा मौसम आता है ऑटम का, और फरवरी के अंदर जैसे हम कहते हैं ना वसंत ऋतु, काफी एट क्लास के अंदर आता भी है निबंध लिखने के अंदर वसंत ऋतु। अप्रैल के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो ऑटम के जो पेड़ होते हैं जिनके पत्ते झड़ चुके होते हैं इनके ऊपर वापस पेड़ वापस हरे पत्ते आ जाते हैं। तो ऑटम एक ऐसा महीना है जहां पे क्या नाम लेते हैं, जो पत्ते होते हैं जितने भी प्लांट्स के वो सारे क्या हो जाते हैं, येलो टर्न येलो हो जाते हैं और वो नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं हम लोगों से कि द टू रोड्स, जो एक रोड थी वो डाइवर्स होगी। ठीक है, क्या होगी, डाइवर्स होगी टू पार्ट्स के अंदर, टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड। येलो वुड मींस यहाँ पे जो पेड़ है जिनके पत्ते जो वो येलो कलर के अंदर, वो येलो कलर में क्यों, क्योंकि ऑटम का मौसम चल रहा है। ठीक है, इन्हें येलो वुड क्योंकि ये किसे सिग्निफाई कर रहा है, ऑटम के सीजन को रेफर कर रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और काफी बार हमारी लाइफ के अंदर एक चॉइसेस है। अब एक चीज बताओ, क्या आप लोग अभी एक टाइम के ऊपर यहाँ पे भी प्रेजेंट हो और कहीं और पे भी प्रेजेंट हो सकते हो एक साइड एक टाइम के ऊपर? सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता, अपने दो हिस्से थोड़ी ना बना ले कि आधे एक तरफ आधे एक तरफ। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी जो चॉइसेस होती है ना वहां पे आप सिर्फ एक चॉइस ले सकते हो। अब देखो आपको मैंने चॉइस कर दिया, आपके पास 100 रुपए, आपको मैंने कहा या तो बर्गर खा ले, इसकी भी कॉस्ट 100 रुपए, या तो पिज्जा खा ले, चॉइस आपके पास, इसकी भी कॉस्ट 100 रुपए। अब आपके पास है कितने रुपए, 100 रुपए, क्या आप दोनों चीजें खा सकते हो? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर, हमारे पास अगर दोनों को खाना है तो उसके लिए तो हमें 200 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने 100 रुपए, इनके हम कोई भी एक कमोडिटी कोई भी एक प्रोडक्ट को ही यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपका ये जो है बहुत सिस्टम, आपके पास जो चॉइसेस होती है कि या तो मैं आर्टिस्टिक बनूं, या तो मैं पोएट बनूं, या मैं ना बनूं, क्लियर कट है। बनने की लाइन में जाऊंगा तो इसी साइड जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि बन भी गया नहीं भी बना, ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, आपको चूज करना पड़ता है किसी एक चॉइस को। एंड यहीं पे पॉइंट कहना चाहते हैं डेट सॉरी कि बॉस मैं सॉरी कह रहा हूँ अपने आपसे कि डेट आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों ही रोड्स को ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी ने कहा हुआ है कि बॉस तुम्हें एक ही पाथ को चूज करना है, तुम दूसरे पाथ को, तुम्हारा दूसरा पाथ भी बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर, अब जैसे क्लास 10th के बाद कि सर हमारे पास तो ऑप्शन है मेडिकल, मेडिकल में भी आते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल, कॉमर्स जो समझदार बच्चे लेते हैं, और आर्ट्स, तीनों ही चॉइसेस है बॉस। अब एक चीज बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा कह दे कि सर मैं मेडिकल भी करना चाहता हूँ, कॉमर्स भी कर लूंगा, थोड़ी थोड़ी आर्ट्स भी कर लूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को एक टाइम के ऊपर आप एक ही रोड के ऊपर चल सकते हो, आप बार बार रोड को बदल नहीं सकते। आपने एक बार एक रोड चूज करी तो आपको बाकी की दो रोड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसे थोड़ा मैं रियल लाइफ से रिलेट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसे रियल लाइफ से रिलेट करूं कि बॉस आपको अगर इस टाइम पे अपनी लाइफ की सिचुएशन को या तो सुधारना है या वो जैसी है वैसी पड़ी रहना है, अगर आपने लाइफ के अंदर दृढ़ निश्चय करा है तो आप कौन सी रोड के ऊपर जाओगे, जो आपको सुधारने वाली रोड है, आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो मेहनत का पाथ है उसे चूज करना पड़ेगा, उस मेहनत के पाथ को चूज करने के लिए आपको दूसरी एक रोड को छोड़ना पड़ेगा। और वो दूसरी रोड किस चीज के, वो दूसरी रोड है आपके आलस की, वो दूसरी रोड है आपकी कोई बात नहीं चल जाएगा ऐसे, ये जो आप गिव अप करने वाला एटीट्यूड है इस चीज के, आपके एक तरफ मुझे मेरी लाइफ की सिचुएशंस को बदलना है और मैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बदलने के लिए एक ढंग की रोड चूज करूंगा। यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जो पॉइंट है वो भी इसके मन में आ रहा है कि मुझे इस रोड को चूज करना है लेकिन मुझे इस रोड को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ एट अ सिंगल टाइम एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं कर रही हूँ। यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाहती है कि जो सिचुएशन है ना ये सिर्फ मेरी है, मेरे जैसे और कोई आदमी नहीं खड़ा, क्योंकि हर एक की लाइफ की सिचुएशन क्या होती है अलग अलग होती है। अब आप लोग जैसे हो, क्या आपके दोस्त भी आपके जैसे है? बिल्कुल, उनकी लाइफ की सिचुएशन आपकी लाइफ की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, सेम प्रॉब्लम है। सर क्या बात करो, उनकी घर की अलग चिंता है हमारी घर की अलग चिंता है ना। तो सिमिलरली ये जो चॉइस होती है ना लाइफ के अंदर क्या करना है, वो चॉइस एक बच्चे की होती है और बच्चे के किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मैंने आजकल बहुत सारे काउंसलर्स को भी देखा,
कि जो काउंसलर्स होते हैं ना वो भी बहुत बार होते हैं कि आजकल माँ बाप है ना बच्चों को काउंसलर्स के पास लेके जाते हैं। काउंसलिंग का धंधा ही बड़ा मुझे तगड़ा लगता है। दो तीन महीने मतलब आधे घंटे बैठते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपए ले लेते हैं वो कि भाई काउंसलिंग फीस लिया हम लोगों ने। अब एक चीज बताओ, सीधी साधी बात है, आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजन भी किसी दूसरे के हाथ के अंदर रख रहे हो। ठीक है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट था तो वो गया काउंसलिंग करवाने यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर। अब चंडीगढ़ के अंदर उनके एक तो देखो यहाँ से गंगानगर से चंडीगढ़ जाना तो ये मान लो कि आराम से खर्चा हो जाता है 2-3 हज़ार रुपए का। वहां तक गया वो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जाने के बाद वहां पे काउंसलर की फीस अलग है 7,000। अब देखा जाए 7,000 रुपए देके उन्होंने क्या कहा, बेटा तेरा आईएम के अंदर ज्यादा स्कोप है, बेटा तेरा आईआईटी के अंदर ज्यादा स्कोप है। अगर खुद के जो लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस जो है वो इन लोगों के हाथ में दे लो। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे भी कहा था कि भाई क्या चीज है, मतलब अगर तुम लोग अगर खुद के लाइफ के डिसीजन खुद ही नहीं ले सकते, अब 7,000 रुपए देके और क्या बोला उन लोगों ने कि आपके बेटे के अंदर आईएम का स्कोप है, आईएम के अंदर भेजो इसे। अब मान लो आईएम ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, पेपर देना पड़ेगा ही नहीं, क्लास 12 के बाद आईएम के अंदर वो 5 साल के एमबीए के लिए, अब उसे देना पड़ेगा पेपर। अब मान लो गलती से इसका पेपर 1 साल के लिए नहीं हुआ, 2 साल के लिए नहीं हुआ, 3 साल के लिए नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई जो होते ना काउंसलर सो कॉल्ड वो कहते कि आपके बेटे का नीट के अंदर स्कोर है नीट के अंदर भेज दो इसे, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, 5 साल जाके पकड़ लो गला उसका, वो क्या कहेगा भाई आपके बच्चे ने ढंग से मेहनत नहीं करी थी, हम लोगों ने तो कह दिया। लेकिन देखा जाए वो क्या काउंसलर आपको आपके जो 4 से 5 साल की मेहनत है ये दे देगा वापस? तो खुद के लाइफ के डिसीजन खुद लिया करो ताकि तुम किसी दूसरे को ब्लेम ना कर सको। क्योंकि अब अगर कोई तुम्हारे सामने आएगा पूछेगा कि बेटा नहीं हुआ तो क्या कहोगे, हाँ जी नहीं हुआ, क्यों, वो काउंसलर आपको तो बहाना मिल गया बॉस, आप 7,000 रुपए में लेके ये नहीं बता रहे कि बॉस ये जो 7,000 रुपए देके काउंसलर से एडवाइस लेके आए हो, आप 7,000 रुपए लेके दूसरा सपोर्ट सिस्टम लेके आए हो कि अगर मैं फेल हो गया तो इसे ब्लेम कर दूंगा। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा वीक हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद के ऊपर लेने ही नहीं चाहते कि मैं मेरी गलती की वजह से फेल हूं। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल का मतलब ये होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लेकिन अगर उस फेल होने के बाद को दूसरों के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपना ब्लेम ही नहीं सहन कर सकते, ब्लेम कोई दूसरे काउंसलर्स के ऊपर कि भैया काउंसलर ने कहा था इस साइड चला जाए तो इस साइड चला गया, वो वाली बात नहीं होती बॉस। आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट जो आपका मन कहता है जो आपका दिल कहता है उन चीजों को चूज करने तभी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर उस टाइम जैसे कहते हैं ना एक बहुत पुरानी लाइन आपके माँ बाप ने भी कही होगी, सचिन तेंदुलकर के पापा क्या देते कि काउंसलर के पास लेके चले जाते सचिन तेंदुलकर को, कहते कि इसे क्या, वो कहते कि बेटा अब वो कहते कि सचिन तेंदुलकर का आईआईटी में स्कोप है, सचिन तेंदुलकर का आईएम के स्कोप है, इसे सीए बनाओ आप, इसे यूपीएससी करो, क्या वो बन पाते हैं क्रिकेटर? जो मन की सुनता है ना वही जीतता है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें, मैंने कहा कोई बात नहीं अपने घर पे किसी शहर को छोड़ दे, गंगानगर जैसे शहर को छोड़ दे, कहीं बाहर चले जाए दिल्ली चले जाए वहां पे चले जाए, पूरी दुनिया जाती है वहां पे, कोई फर्क नहीं होता। अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, अगर आप लोगों के अंदर है एक जुनून है कि भाई कुछ करना है तो आपको जगह मैटर नहीं करती, आपका खुद का विश्वास मैटर करता है। ठीक है, चलो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बॉस, वैसे पोएट कहते हैं कि बॉस मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता, एंड बी वन ट्रैवलर का बॉस मतलब ये सिचुएशन मेरी है, ये लाइफ की सिचुएशन मेरी है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, कोई काउंसलर नहीं बताएगा कि ये लाइफ की सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। अगर मेरा जो मन करेगा मैं वो वाली चॉइस लूंगा। ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग एक्सपर्ट, यानी कि दूर दूर तक देखा जाए मेरी लाइफ की सिचुएशन जैसी है, मैं जैसे लाइफ जी रहा हूं वैसे यहां पे कोई नहीं है, क्योंकि यहां पे मैं कल्ला खड़ा हूं क्योंकि लाइफ की सिचुएशन मेरी है किसी और की नहीं है, कोई तीसरा आके मुझे नहीं बताएगा कि मुझे मेरी लाइफ को कैसे जी रहा। ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग एक्सपर्ट एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। अब लुक डाउन एज फार एज आई कुड का मतलब क्या है, यहां पे पोएट क्या कहता है, अब जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है, आप लोगों के जो चॉइसेस थी आपने मेडिकल कॉमर्स और आर्ट्स की, ठीक है, अब आप मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, इसे मैं थीम पार्ट्स के अंदर डाइवर्स कर लेता हूं, मेडिकल कांग्रेस मेडिकल कॉमर्स एंड आर्ट्स, एक चीज बताओ आप लोगों ने यहां पे, अब आप लोग क्या कहोगे, अच्छा अपने दोनों बात करते हैं कि सर मैं मेडिकल लेना चाहता हूं, अच्छा क्यों लेना चाहते हो, सर मैं आगे मेडिकल के अंदर या तो मैं नीट का पेपर दूंगा, ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा नीट का पेपर दूंगा डॉक्टर बनने जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, या क्या करेंगे हम, या वो कहते हैं कि या तो मैं बीएससी कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद या तो नर्सिंग की लाइन के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है, बीएससी के बाद नर्सिंग कर लूंगा, इसके अलावा मैंने कहा या सर बीएससी के बाद या तो मैं बीएड कर लूंगा, बीएड के बाद मैं टीचर लग जाऊंगा साइंस का, ठीक है, मैंने कहा ये भी बात सही है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, एक्चुअल अगर मैं मेडिकल का ये प्लान बताऊं, आप क्या करो एज फार एज यू कुड, आपका दिमाग जितना ज्यादा चल रहा है आप उतना ज्यादा चला रहे हो कि अच्छा यार मेडिकल ले लूंगा तो मेडिकल के बाद या तो नीट का पेपर दे दूंगा या बीएससी की तैयारी करने लग, बीएससी कर लूंगा, बीएससी के अंदर 3 साल लग गए, 3 साल के बाद या नर्सिंग का पेपर दे दूंगा या मैं उसका दे, या तो मैं बीएड करके साइंस का टीचर लग जाऊंगा। ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो दृष्टिकोण है आप अपनी इमेजिनेशन को उतनी दूर लेके जा रहे हो जहां तक आप सोच सकते हो। वैसे पोएट क्या सोच रहे हैं,
यार मैं पोएट्री करूंगा, अगर मेरी पोएट्री एक भी चल गई, अगर मैं 100 पोएट्री करता हूँ एक भी चल गई तब भी नाम बन जाएगा। पोएट क्या सोच रहे, जितना दूर तक वो सोच सकते उतने ही दूर तक सोच रहे कि बॉस अगर मैं मेरी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ तो उस लाइफ सिचुएशन के लिए मैं कितना दूर तक पोएट बन जाऊंगा, महीने का खर्चा यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। क्या कर रहे वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कहाँ तक कर रहे हैं, जितनी दूर तक वो सोच सकता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि वहां पर ये जो रोड के ऊपर खड़े हैं ना हमारे पोएट, चल जाता के एक सेकंड दो, मैं इसे चार्ज लगा के आपको, अब अपना पेन थोड़ा सा सही चल रहा है, ठीक है, बीच के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलो अब आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक देख रहे हैं। मेडिकल की लाइन में यहाँ तक चला जाऊंगा, यहाँ तक कॉमर्स के अंदर क्या करते हो, इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स करूंगा या तो सीए के लिए चला जाऊंगा या बीकॉम कर लूंगा, ठीक है, या सीएस कर लूंगा, ठीक है, सीएस कर लूंगा या कुछ भी कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टेड अकाउंटेंट बीकॉम कर लूंगा। यानी कि आप क्या करो, दूर तक सोचो। ऐसे पोएट क्या करे, दूर तक सोच रहे कि यार मैं पोएट्री करूंगा, मैं ये वाली पोएट्री करूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, 50-50 चांसेस होता है बॉस। ऐसे कोई कह सकता है कि डेफिनेटली मेरी पोएट्री चलेगी, ऐसे हर कोई हनी सिंह थोड़ी ना होता है जो कह रहे कि ऐसे मेरी चल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दूर तक सोचोगे कि हाँ यहाँ तक, ये मतलब क्या नाम लेते हैं कि अच्छा मैं पोएट्री की लाइन चूज करता हूँ तो मैं ये वाली चीज कर लूंगा, ये वाली चीज कर लूंगा, घर का गुजारा कैसे करूंगा, ये सारी चीजें, क्योंकि आप अपना करियर चूज कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आएंगे आप लोगों के दिमाग में, ये चॉइस आप लोगों को भी फेस करनी है लाइफ के अंदर। ओके, एक आपका नाम से सुनना पसंद है, ओके, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और हम क्या करते हैं, जब भी हमें चॉइस करनी होती है हम चॉइस को देखते हैं। चॉइस नंबर वन, अच्छा अगर मैं पोएट्री नहीं करूंगा क्या पता मैं कंपनी में जॉब कर लूँ, वहां तक चला जाऊँ, वहां तक चला जाऊँ, दूर तक देख लो। पोएट्री करूंगा क्या पता मेरे एक दिन नाम बन जाए, जितना दूर तक हो सके वैसे ही। अब वैसे अगर एक ट्रैवलर है, अब यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच देखते हैं, एक ट्रैवलर खड़ा हुआ एक रोड के ऊपर, वो क्या देख रहा है, अच्छा ये रास्ता यहाँ पे मुड़ गया, ये रास्ता वहां पे मुड़ गया। यहाँ पे मुड़ना पता क्या, आपकी सोच का खत्म होना, यहाँ पे मुड़ना क्या है, आपकी सोच का खत्म होना। देखो अब काफी बच्चों के दिमाग के ऊपर जोर आ रहा होगा कि सर थोड़ा है ना बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा है इसे, है ना, क्योंकि ये टिपिकल हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है, आपके दिमाग को खोलना, आपके दिमाग के जो पॉइंट्स है ना ये जो बंद हो चुके हैं कि आप लोगों ने डेटा फिकेशन मार मार के या फिर 10-20 मिनट की वीडियो देख देख के, जो आप लोगों को अभी मैं बताऊँ 20 मिनट हो गए और 20 मिनट में पहला पैसेज पूरा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, हालांकि बाकी जल्दी हो जाएंगे, पर आप लोगों को पता है यहाँ पे आपकी ये जो है ना ये चीज खुल रही है अभी, यहाँ पे अब ना थोड़ा दबाव पड़ रहा है, क्या सोचना पड़ रहा है कि हमें इमेजिनेशन पावर यूज करनी पड़ रही है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी इमेजिनेटिव पावर्स को इस्तेमाल करवाना, ठीक है। 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो देख देख के आप लोगों ने जनरली बताऊं अपना भेड़ा रखी है कि 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो देख के आपको कंटेंट ही नहीं आएगा समझ में। आपको ये काफी बार मैं देखता हूं बच्चे क्या कहते हैं, 5 मिनट रिवीजन 10 मिनट रिवीजन, बेटा नहीं होती, कितनी बार बताएं, बड़ी वीडियोस देखा करो, लंबी वीडियोस। मैग्नेट ब्रेन्स का मुझे हमेशा कंटेंट बहुत पसंद आता है कि मैग्नेट ब्रेन्स डिटेल में पढ़ाते हैं और इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना मैग्नेट ब्रेन्स वाले, मैग्नेट ब्रेन्स है चैनल। 10-10, 20-20 मिनट के अंदर पॉइंट खत्म करके हम कहते हैं जयराम जी के आप अपने घर में, मेरे घर काय के टीचर होंगे लोग फिर, है ना। चलो एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, यानी कि लुक डाउन देखा कहां तक, टू वेयर इट बेंट, यानी कि जैसी रोड जो है, अब देखो रोड ऐसे थोड़ी ना कि रोड जो है हमारी इस तरीके से बस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। रोड क्या होगी एक टाइम के बाद, रोड यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रोड ऐसे करके बेंट हो जाएगी। अब जैसी बेंट हुई तो आप देख सकते हो उसके बाद, जब तक गली सीधी जा रही है तब तक आप देख सकते हो, जैसी गली मुड़ गई आप नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि वो मुड़ चुकी है, अब उसके बाद आपकी निगाहें नहीं पहुंचेगी वहां तक, ठीक है। कहां तक देखा हम लोगों ने, चल जाता के टू वेयर इट बेंट, यानी कि कॉट इन द अंडरग्रोथ, इन द अंडरग्रोथ का मतलब है प्लांट्स एंड बुशेस के अंदर। अब जैसे ये रोड है, ठीक है, अब जैसे ये रोड जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, अब जैसे मुड़ गई यहाँ पे, ठीक है, अभी मुड़ने के बाद मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रास है ना, इन ग्रास ने क्या कर दिया, इस रोड को कवर कर दिया, जिस वजह से मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता। सिमिलरली रियल लाइफ के अंदर आप जो चॉइसेस बनाते हो ना, आपकी जो चॉइसेस बना रहे हो आप लाइफ के अंदर, उसके बाद आप एक चीज के बाद धुंधला दिखने लग पड़ता आपको, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये जो अंडरग्रोथ है ना, अंडरग्रोथ मीन्स आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आपको उस चीज के बारे में ज्यादा, जहां तक आपकी नॉलेज है वहां तक आपने देखा कि आपको बीएड तक पता था कि बीएड तक का था, अब उसके बाद आपकी नॉलेज जो है ना वो अंडरग्रोथ की तरह क्या है, अंडरग्रोथ, आपकी नॉलेज पूरी डेवलप्ड नहीं, इसलिए आप उसके आगे अपनी लाइफ की सिनेरियोस को नहीं देख सकते, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड क्लियर है आप लोगों को, देखो आप लोगों को दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा इस साल, ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर इस साल भी अगर ऐसे कर लिया ना 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो देख के चले गए तो बेटा वहां पे सीबीएसई बैठा है, वो भी कह रहे कि बेटा तू भी आ, मुझे आज मजा आएगा, ठीक है। मैंने उस टाइम भी पहले लेक्चर में कहा था कि इस साल मजा आएगा इंग्लिश की क्लासेस को लेने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ढूंढ के लगा गया, यहाँ पे खुलेगा, मैं कह रहा हूँ ये खुलेगा यहाँ पे, ये खुलना चाहिए इस साल, क्योंकि पता चलेगा इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बॉस पोएट कहना क्या चाहता है यार, इसका मतलब क्या है। 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा इस साल,
ठीक है, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज, यानी कि एक रोड जो थी वो दो रोड्स के अंदर डाइवर्स होगी इनटू येलो बोर्ड, एक येलो बोर्ड के अंदर। और कोई कहते कि यार मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइफ की सिचुएशन है, मैं इसे दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं जी सकता। एंड वी वन ट्रैवल, और ये लाइफ की सिचुएशन मेरी है तो यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं होगा। लॉन्ग एस्ट्रोड, मैं दूर दूर तक देख लू तो मेरी लाइफ के जैसा कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाइफ की सिचुएशन मेरी है। एंड लुक डाउन एज फार, ओके लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उतनी दूर तक देख सकता हूँ मैं जहां तक मैं देख सकता हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है। टू वेयर इट बेंड, बेंड मीन जैसे कर्व हो जाती है नॉलेज, क्योंकि जहां पे मेरी नॉलेज छोटी पड़ेगी। वेयर इट अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मींस मेरी यहां पे जो नॉलेज छोटी पड़ेगी। ये तो था एक्चुअल मीनिंग जो पोएट कहना चाहते हैं, वरना इसका क्या मतलब, प्लांट इन घुसित। एक ट्रैवलर खड़ा हुआ है, वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, दो रोड्स डाइवर्ट हो गया, वो सोचे ये वाली रोड चूज करूं या ये वाली रोड चूज करूं, लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन है इसकी, देख लेते हैं उसे भी कि क्या एक्सप्लेनेशन के अंदर पोएट क्या कहना चाहता है। द पोएट इज टॉकिंग हाउ ही, ओके द पॉइंट इज टॉकिंग दैट हाउ ही वाज वॉकिंग डाउन अ रोड, कि कैसे वे रोड पे जा रहे थे। एंड देयर वर टू डिफरेंट रोड, और दो डिफरेंट रोड्स थी, ही हैड टू चूज वन ऑफ देम, उन्हें इनमें से किसी एक चीज को चूज करना था। द पॉइंट इज दैट एज ही वाज अ सिंगल पर्सन, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन था, ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, कि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे। येलो वुड्स मींस अ फॉरेस्ट विद लीव्स दैट आर वियरिंग आउट, येलो वुड मींस ऑटम का ऐसा सीजन जहां पे पत्तियां जो है, मींस अ फॉरेस्ट विद लीव्स दैट आर वियरिंग आउट, वियरिंग आउट मींस जो टूट के नीचे गिर रही है। And they have turned yellow because it is the season of autumn, क्योंकि autumn का season, autumn का season में पता क्यों लिया, क्योंकि जो choices होती है ना ये बहुत ही ज्यादा मतलब hard taken होती है, यानी कि इस type पे क्या होता है हमारा जी थोड़े ना ऐसे सूखा सूखा हो जाते हैं, यानी कि सूखा सूखा सा समझो कि आप अपने लाइफ की सिचुएशन थोड़ी सी देखा जाए, जितने भी मौसम उसके अंदर ऑटम थोड़ा डार्कर सीजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि चीजें टूट रही हैं, यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो ज्यादा आती हैं, क्यों, जो पत्ते हैं वो नीचे गिर रहे हैं। एक पोइम, एक चैप्टर आएगा पता लास्ट लीफ, उसके अंदर क्या होगा, वो एक पत्ती जो है ना वो उसकी जीवन की एक किरण सी होती है कि भाई जीवन तब तक मेरा चलेगा जब तक ये पत्ती रहेगी, और वो पत्ती हमेशा रहती है। सिमिलरली जो लाइफ है ना, वैसे ऑटम के सीजन के अंदर क्या पत्ते नीचे गिर रहे हैं, यानी कि दे आर गिविंग अप देयर लाइफ। थोड़ा सा एक तरीके से रिलेटेबल था मौसम। पॉइंट स्टूड देयर फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक वो खड़ा रहा, लुक डाउन एट द पाथ वेरी केयरफुली, अच्छे से पाथ को देखते रहे। बिफोर टेकिंग द पाथ ही वांटेड टू नो हाउ इट वाज, यानी कि हम कोई भी राह को चूज करने से पहले, मेडिकल को ऐसे कॉमर्स आते थोड़ी ना, डाइस के ऊपर लिया कि अगर मेडिकल है तो मेडिकल कॉमर्स, तो हम क्या कहते हैं दूर तक देखते हैं। ठीक है, तो बिफोर टेकिंग द पाथ ही वांटेड टू नो हाउ इट वाज, कि मेडिकल की लाइन कैसी है, कॉमर्स की लाइन कैसी है। एंड ही वाज एबल टू सी द रोड टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व, और जब तक वो रोड कर्व नहीं हुई तब तक उस पॉइंट ने कहा कि मैं इस रोड को देखना चाहता हूँ। जब तक उसकी नॉलेज थी ना, वो देख रहा था कि मैं इस लाइन के अंदर अपने करियर को किस हिसाब से देख सकता हूँ। टू वेयर इट कर्व विच इट वॉज कर्व विद ट्रीज एंड वॉज नॉट बी एबल टू सीन, क्योंकि जहां पे अंडरग्रोथ आ गई, प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, वहां पे हमारी नॉलेज क्या हुई, अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स खत्म होगी, और वहीं पे ही हम वहां तक की वो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी जहां तक हम देख सकते थे। He was able to see the road till from it was curved. यहाँ तक होगी बात। It happens in our life also when we have choices and we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons. Pros and cons means positive and negative. Whether it is suitable for us or not. Only then we decide which path should we choose. उसी टाइम पे हम decide कर पाते हैं कि boss क्या हमें ये path जो है इसे choose करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो stanza number 2 देखो क्या है हमारा stanza number 2। Then उसके बाद देन टुक द अदर, तो फिर पोएट ने कहा कि चलो ये जो लाइन है ना, जैसे हम कहते हैं कि यार चलो देखी जाएगी, तो वैसे पोएट भी कहते हैं चलो देखी जाएगी यार, इस चॉइस को ले लेते हैं। ओके, देन टुक द अदर, यानी कि पोएट ने क्या किया, जो पोएट जो हमारे जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो पोएट बनने की जो लाइन थी ना, इसे चूज कर लिया कि चलो यार देखते हैं। ठीक है, देन टुक द अदर, यानी कि उन्होंने सेकंड रोड को चूज किया। टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर मींस विदाउट एनी विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, की यार ये रोड बढ़िया है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर पोएट ना बने जैसे हम लोग, क्या हमारी लाइफ बिगाड़े थे, नहीं बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है, तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि क्या नाम लेते हैं, कि जो रोड थी ये भी अच्छी रोड थी और ये भी अच्छी रोड है, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार इस रोड पे चल के देखते हैं। ठीक है, देन टुक द अदर, मैंने सेकंड रोड को चूज किया कि कोई बात नहीं, पोएट बन के देखते हैं, ट्राई तो करें इस लाइन को, जस्ट एज मींस विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन एंड हैविंग परहैप्स मींस मे बी द बेटर क्लेम, और काफी हम चॉइस कर लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, रिस्क टेकिंग बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, आधे लोग तो आजकल रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, बच्चों के मन में क्या होता है यार रिस्क है यार, नहीं लेते ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में रिस्क है। अरे रिस्क, रिस्क जितना ज्यादा होता है ना, कॉमर्स के अंदर एक लाइन है, रिस्क जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट है। अगर पोएट आप देखो जाए, आप लोगों की बुक्स के अंदर, आपके चाचा था वो जिन्होंने दुकान खोली हुई किराए नहीं, उनकी किताबें, उनकी स्टोरीज आते हैं, जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ अलग करा हुआ है ना, वही तो आते हैं। आपके चाचा था वो की तो कहानियां नहीं पढ़ाता, मैं ये तो नहीं कहता कि दिस स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय हीरालाल चौधरी, ऐसा तो नहीं बोलता ना मैं कभी, क्यों, क्योंकि आपके ताऊओं ने नहीं लिखी हुई, उन लोगों की कहानियां हम आपको बताते हैं, सीबीएसई उन लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ अलग चूज किया, जिन्होंने लाइफ के अंदर भेड़चाल का हिस्सा नहीं रहे, कुछ अलग किया। ठीक है,
then took the other just a save without any favorites and having perhaps नहीं, जब हम choice लेते हैं कि चलो ऐड करके देखते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, line भी बुरी नहीं है, बढ़िया claim है, having the better claim, यानी कि मैंने बढ़िया choice बनाया, because it was grassy and wanted way, grassy means इसके ऊपर grass जो थी वो grown थी, यानी कि यहाँ पे जो scope थी वो अच्छी खासी थी, and wanted way, और इस road के ऊपर ज्यादा लोग चले हुए नहीं थे, जो poetry की जो line है ना, जो सबसे अलग line है, देखो लाइफ की दो सिचुएशन है, या तो नॉर्मल जैसे लोग जी रहे उसी तरीके से अपनी जिंदगी निकाल दो, या अपनी जिंदगी को एक अलग डायरेक्शन दो, लेकिन ये जो है ना, ये जो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चला दो, अगर इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग है ना, तो 799,000 लोग इसी रोड के ऊपर चलते हैं, कौन सी वाली रोड, कि अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से निकाल दो, देखो वर्ड भी क्या निकल रहे हैं, निकाल दो, लेकिन जो बच्चे हुए जो है ना, 1% ये, 1% भी मान लो, ये जो 1,000 लोग जो है, ये क्या करते हैं, ये उस रोड के ऊपर चलते हैं, कि जो कहते हैं कि चलो ऐप करके देखते हैं, और यही रोड आपको क्या तक लेके जाती है, उस सक्सेस की बुलंदियों तक लेके जाती है, एंड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, कि वो ग्रासी थी, वहां पर स्कोप बहुत कम था, लेकिन वॉन्टेड वेयर, और उस रोड के ऊपर ज्यादा लोग चलते नहीं है, अगर मैं आप लोगों से कहूं एक्टर बनना है, कितने लोग रोज कहते हैं, काफी बार टीचर भी पूछती है ना, बेटा आप क्या बनना चाहते हो, सर डॉक्टर, सर इंजीनियर, सर एक्टर, सर पोएट, राइटर, ये क्या लाइन होती है, आजकल तो कोई टीचर बनने के लिए तैयार नहीं है, सच बताऊं तो सबके लिए क्या है कि मेन ये फील्ड्स को चूज कर लेते हैं, टीचर बनने तक भी आज टीचर जैसे बढ़िया प्रोफेशन को भी आजकल लोग जो है वो नकार है, ठीक है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स नॉट मच यूज नॉट ट्रेवल्ड बाई पीपल, लेस फुटप्रिंट्स, क्योंकि उसके ऊपर कम फुटप्रिंट्स है उस रोड के ऊपर, क्योंकि ये रोड हर कोई नहीं ऑप्ट कर सकता, जिसके पास जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है ना, वही तो ये रोड को चूज करेगा, जिसे पता है कि यार इस लाइफ के, ये जो लाइफ है मेरी, इस लाइफ के अंदर यार एक मुश्किल से जिंदगी मिलती है, उसके अंदर रिस्क नहीं लिया तो यार क्या नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं, एडवेंचरस क्वालिटीज दिखा रहे हैं पोएट, क्योंकि थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग डे, यानी कि वॉकिंग ऑन द चूजन पाथ, और जब हम उस रोड के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये रोड है, मैं इस रोड के ऊपर चल रहा हूँ, मुझे साथ में साथ दो रोड दिख रही है, पर हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इस रोड के ऊपर चलते हैं, और दूसरी एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि बोथ द रोड्स आर इक्वली वॉर्न आउट, और जैसे हम चलने लग पड़ते हैं ना पोएट्री की लाइन के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर अंदर, जैसे मान लो कि आप पोएट्री की लाइन को छोड़िए, मेडिकल या कॉमर्स है, मैं जैसे कॉमर्स की लाइन के ऊपर चल रहा हूँ, मुझे मेडिकल सेम सेम सा लग रहा है, अब देख रहा हूँ मैं किस साइड जा रहा हूँ, मेडिकल की लाइन उस साइड जा रहा है, सेम सेम लग रहा है, मेडिकल क्या कर रहा है, मेडिकल उस साइड जा रहा है, कॉमर्स क्या कर रहा है, कॉमर्स उस साइड जा रहा है, सेम सेम लग रहा है, कि जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तब हम लोगों को क्या लगता है, ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन तो दोनों, क्योंकि हाँ यार ये, क्योंकि देखा जाए बॉस, ओरिजिन तो यहाँ पे सेम है, क्योंकि अगर मैं ये दो रोड्स की बात करूँ, यहाँ पे चला, यहाँ पे सेम लग रहा है, आगे ये सेट टर्न हो गए, आगे ये सेट टर्न हो गए, सेम लग रहा है, यहाँ पे क्या हुई, सिचुएशन बदल गई, लाइफ भी ऐसी होती है बॉस, जब स्टार्ट करते हो ना तब कुछ अलग नहीं लगता, जैसे जैसे उस करियर के अंदर आगे बढ़ते जाओगे तब अलग लगना चालू होगा, ठीक है, पोएट्री दो दिन हुए नहीं उस दिन कहते हैं लाइफ बदल गई, ऐसे नहीं होता बॉस, दो तीन साल करो उसके बाद पता चलेगा कि दो तीन साल का एफर्ट लगा के, ठीक है, and had worn them really about the same, यानी कि both the roads were equally worn out, दोनों ही roads क्या थी, equally worn out थी, ये passage हो गया, देखो starting के passages के अंदर ही time लगता है, बाकी के passages में ज़्यादा time नहीं लगता, एक बार इसका भी मैं quickly बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी अच्छे से clear हो जाए, देखो एंड देन टुक द अदर, पॉइंट ने दूसरी रोड चूज करी जस्ट एज फेयर, यानी कि विदाउट एनी फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, एंड हैविंग परहैप्स मेक मे बी द बेटर क्लेम, कोई बात नहीं, हमें अपनी चॉइसेस के ऊपर घमंड था कि मेरी भी चॉइस बढ़िया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो ग्रासी थी और कम लोगों ने उसके ऊपर ट्रेवल किया था, उसने कहा कि भेड़ चाल वाली साइड नहीं चलूंगा, इस साइड चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम लोग ट्रेवल करते हैं और आधे से ज्यादा लोग इस रोड को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो इस रोड को पूरा पार कर लेते हैं वो विजयी बनते हैं, ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब होता है ज्यादा ट्रेवल नहीं थी, थ्रू एज फॉर डेट पासिंग, और जब हम इस रोड की स्टार्टिंग करते हैं तब दोनों रोड क्या होती है, सेम होती है, ओके, और दोनों ही रोड क्या होती है, बोथ द रोड्स आर इक्वली वन आउट, दोनों ही रोड्स के ऊपर हमें क्या लगता है, जैसे कॉमर्स वाले मेडिकल वाले कहते हैं ना, मेडिकल बहुत ज्यादा टफ है, कॉमर्स वाले कहते हैं भाई कॉमर्स भी टफ है, आर्ट्स वाले कहते हैं भाई मेरा भी टफ है, सब क्या करें अपनी अपनी लाइफ को टफ करें, क्योंकि इक्वली वन आउट, सबको अपनी लाइफ की कंडीशन अपने हिसाब से टफ लगती है, आगे देखते हैं, चलो बॉस आगे देखो, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या कहना चाहता है, द पॉइंट लुक्ड एट द अदर पाथ एंड डिसाइडेड टू गो इन दैट वे, पॉइंट ने दूसरे पाथ को चूज किया और कहता है कि चलो भाई इस रोड के ऊपर चलते हैं, ही सेज दैट द पाथ ही हैड चूजन हैड ग्रास ऑन इट, व्हिच मींस दैट इट वाज रेयरली यूज्ड, यानी कि रेयरली मींस बहुत ही मुश्किल से, रेयर कार्ड्स होते हैं ना, क्लैश रॉयल, क्लैश ऑफ क्लैंस, रेयर कार्ड, एपिक कार्ड, तो रेयर मींस बहुत ही मुश्किल से कोई इस रोड के ऊपर चलता होगा, रेयरली यूज्ड, ओके, मेनी पीपल हैड नॉट वॉक्ड ऑन दिस पाथ अर्लियर, तो काफी लोगों ने इस पाथ के ऊपर चले ही नहीं थे, दैट इज व्हाई द पाथ वाज ऑफ ग्रास, यानी कि इसलिए जो पाथ नहीं ग्रासी था, क्योंकि लोग जो है ना भेड़चाल के अंदर चलते हैं कि जिंदगी को निकाल देंगे, और जिंदगी जीना कोई नहीं चाहता,
After he walked on the path from some distance, he felt that the path had been worn out the same way the before one adversely. यानी कि जैसे उन्होंने चालू करा तो लगता है यार ये भी रोड सेम है, ये भी रोड सेम है. Even in our life we take a one path or choice, but deep inside our heart we keep thinking of choosing the other part and thinking what the situation could be there. ये तो है आज की सबसे बड़ी दिक्कत. हम लोग एक बात को चूज नहीं करते, दूसरे वाले के ज्यादा देखते रहते हैं. यार मेडिकल लाइन के अंदर कम स्कोप तो नहीं, बंदे ने कॉमर्स चूज करी, मेडिकल में ज्यादा स्कोप तो नहीं, चलो मेडिकल में ज्यादा स्कोप तो नहीं है, चलो मेडिकल में ज्यादा स्कोप तो नहीं है, चलो क्यों, क्योंकि बच्चा क्या है अपनी चॉइस के साथ स्टिक की तो नहीं है. ये मैं आजकल जनरली बताऊं ना, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है ना लोगों के अंदर. आप अपने पुराने लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में सोचे देखो, आपके पूर्वज इतनी ज्यादा टाइम लगाते थे, कोई पूर्वज इतना टाइम नहीं लगाते थे. अब जैसे ये जो है हमारे, अब जैसे हम सबके प्यारे खाटू श्याम जी हैं, ठीक है, जिन्हें हारे का सहारा हम लोग कहते हैं, ठीक है. अब अगर ये बताओ उनके, जैसे जब वो युद्ध लड़ने गए थे तो फिर दोनों से उनके पास चॉइस थी, जैसे कि उन्होंने क्या कहा था अपनी माँ से कि मैं उस साइड से लड़ूंगा जिस साइड हारने वाली जो पक्ष होगा ना, मैं हारने वाले पक्ष से लड़ूंगा. तो जैसे यहाँ पे पांडव जो थे वो कमजोर पड़ने लग पड़ते थे, तो भीम जो थे जो हमारे बर्बरिक थे वो उस साइड उनकी साइड से लड़ने लग पड़ते थे, और जैसे हमारे कौरव वीक हो जाते थे तो उनकी साइड से लड़ने लग पड़ते थे. अब देखा जाए ये जो सिचुएशन थी ना, ये माइंड सेट था उनका कि किस तरीके से. अब देखा जाए अगर चॉइसेस की बात करें, फिर कृष्ण भगवान आए थे उनके पास, कहते कि मुझे अपना सर दे दो. अब उन्होंने क्या कहा था, अगर देखा जाए हमारे खाटू श्याम जी से, हमारे बर्बरिक जी से, उन्होंने क्या कहा था कृष्ण भगवान ने, मुझे अपना सर दे दो, मैं तुम लोगों से, मैं तुमसे क्या करूं, मैं तुमसे अपना सर जो है वो दान में मांग रहा हूं. अब चॉइस क्या थी, या तो मैं मेरा सर दे दूं या मैं मेरा सर ना दूं. चॉइस क्लियर थी क्या, या तो मैं मेरा सर दे दूं या मैं मेरा सर ना दूं. अब उन्होंने क्या, अगर वो आपकी जैसे सोचने में बैठते हैं और मैं मेरी जान क्यों दूं, इससे मेरा क्या भला होगा, ऐसे क्या, उन्होंने क्या क्या अपना तीर ऐसे उन्होंने छोड़ा, पीछे जाके तीर वापस लगा, सर जो था कृष्ण भगवान ने उठाया. अब जैसे जो सर उन्होंने अपने दान में दिया, उन्होंने एक चॉइस बनाई, रिस्की पार्ट लिया. अगर आप लोगों से कहा जाए कि अपना सर काट के दे दो, कोई देगा, बर्बरिक जी ने हम अपना सर काट के दे दिया भगवान के लिए, अपना सर काट के दिया उन्होंने दिया. और अगर उस दिन वो अपना सर ना काट के देते तो एक चीज बताओ क्या, आज हम खाटू श्याम जी को इतना मानते कि उन्होंने अपना सर दिया तभी तो आज भगवान बन गए. और अगर वो सर उस दिन ना देते, वो कृष्ण भगवान से कहते कि मैं आपको दान नहीं दे सकता, तो क्या होता, जैसे बाकी सब थे बिल्कुल वैसे ही थे. लेकिन एक अलग पहचान बनी किसकी, खाटू श्याम जी की, हारे के सहारा. ये जो नाम इतना चर्चित इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चॉइस ऐसी ली जो 99% लोग नहीं लेते. अगर आपके भगवान आपको कह दे, आज भी मैं कह रहा हूँ ये जो कलयुग है इसके अंदर मोह माया इतना ना, भगवान आके कह देना कि बेटा आज तो मेरी शरण में आ जाओगे, नहीं नहीं मुझे मेरा परिवार ज्यादा चौक है ना. क्योंकि ये जो लाइफ है यहाँ पे 99% ऑफ द लोग जो है ना वो गलत चॉइसेस करते हैं. और बर्बरिक जी ने सही चॉइस की थी, अपना ये जो था सर उसे काट के दी थे भगवान को. अगर आपके सामने आ जाए दे दोगे, क्योंकि चॉइसेस क्लियर नहीं है. आपको इजी चॉइसेस करना बहुत पसंद है, डिफिकल्ट चॉइसेस करने में आता है जोर, और वो आप लोग करते हैं. चलो सेंसर नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं. सेंसर नंबर 3 कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. तो अगले दिन जैसे एक दिन हो गया, एक दिन आपने चूज कर लिया मुझे पॉइंट बनना है, अगले दिन आके देखोगे तो क्या होगा, मैं भी वहीं पे, मेडिकल वाला भी वहीं पे है ना, जो नाव भी पॉइंट था वो भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे हूँ. पहले दिन ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा. ओके एंड द पोर्ट एट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि अपीयर्ड से इन लीस नो स्टेप हैड बीन टोडन ब्लैक, यानी कि जो मैं जिस रास्ते ऊपर चल रहा था आज भी उस रास्ते ऊपर मैं ही चल रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन नहीं चला, वॉक ओवर कोई और पर्सन नहीं चला. और है क्या, फर्स्ट फॉर द अनदर डे उसने कहा कि चलो यार अब काफी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं यार, कॉमर्स के लिए चूज कर ली तो कर ली, अब मेडिकल में वापस तो जा नहीं सकते. एंड येट नोइंग हाउ वन वे लीड्स टू द अदर, अब एक चीज देखो, आप यहां पे खड़े हो ठीक है, चॉइस थी पहली चॉइस किसकी, मेडिकल नॉन मेडिकल की, मेडिकल और कॉमर्स की, ठीक है आपने मेडिकल लाइन चूज करी. मेडिकल लाइन के बाद बीएससी, नीट, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, या प्राइवेट एमबीबीएस कर लिया आपने, ठीक है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्राइवेट एमबीबीएस कर लिया, ठीक है. बीएससी के बाद आपने आगे या तो आपने एमएससी कर ली या बीएड करने चले गए, ठीक है, या आप इसके बाद, अब चलो इसके बाद आपने कोई और भी चॉइस होती है, कोई और भी चीज कर ली. एमएससी के बाद आपने, आपका चॉइस है, जैसे आपने एमएससी करी, एमएससी के बाद या तो आप पीएचडी करने चले गए या आपने फर्दर बीएड कर ली. यानी कि आप देख रहे हो एक चॉइस जो है यहाँ पे एक चॉइस ली थी, यहाँ पे वो तीन पार्ट्स के अंदर आ गई, फिर ये वाली चॉइस आ गई तीन पार्ट्स में और आ गई. वो सलमान खान की मूवी नहीं थी, तीन लोगों की मदद करो वो तीन और किसी की मदद करेंगे वो तीन और किसी की, वैसे एक जो अगर आपने एक चॉइस कर ली है लाइफ के अंदर तो क्या होगा, एक चॉइस आएगी, ठीक है चॉइस चली, अब वो चॉइस यहाँ पे चलते 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 दो पार्ट्स के अंदर आ जाएगी, दो पार्ट्स के अंदर, फिर ये जो दो पार्ट थे वो आगे डाइवर्ट, यानी कि आपकी जो चॉइसेस है ये आगे डाइवर्ट होती जाएंगी. एक भूल भुलैया है, जहां पे आपने कदम रखा तो वापस आने का कोई चांस नहीं है. जो लाइफ के अंदर एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ठीक है.
and yet knowing how one way leads to the other, I doubted if I should ever come back. क्या आपको ऐसा तो है नहीं कि कॉमर्स ले ली, बीकॉम कर ली, एमकॉम कर ली, बीएड कर ली, उसके बाद कह रहे हैं चलो अब साइंस करते हैं 11th क्लास की, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि एक वे ने दूसरे वे को लीड कर, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, अब क्या वापस फर्स्ट स्टेप पे आ जाओगे? नहीं आ सकते बॉस, यही तो है लाइफ का खेल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, दैट मॉर्निंग की दोनों ही पाथ्स एकदम सिमिलर थे उस सुबह, बट ओके बोथ द पाथ्स हैड लीव्स एंड ग्रास ऑन देम, दोनों ही पाथ्स के अंदर लीव्स थी, इनकी पहले दिन सिमिलर सा लगेगा, ठीक है, एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, यानी कि किसी ने भी उन चीजों मेरी लाइफ की जैसी एक्सपीरियंस को किसी और ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, अदरवाइज दे वुड हैव बीन क्रश्ड बाय द फुट एंड टर्न ब्लैक, यानी कि कोई आता तो कदम रखता और कदम रखने से क्या होता था, वो जी येलो पत्तियां उनके ऊपर, उनके वो जो ब्लैक कलर वो जो है उनके पैरों के निशान छप जाते, जूतों के निशान छप जाते और वो येलो कलर को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते। ओके ही थॉट ही वुड, ओके ही थॉट ही वुड टेक द अदर पार्ट फॉर सम अनदर डे, काफी होता है ना ये, किसी और दिन अगले जन्म में करेंगे साइंस, ठीक है, इस जन्म में कॉमर्स करेंगे। ऑल्दो ही न्यू दैट वन वे लीड्स टू द अदर, बढ़ते जाते दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, फर्स्ट पे वापस नहीं आ सकते। He knew that he could not go back to the alternative he had taken, वापस नहीं आ सकते। In the same way in our life, if we choose a option, we must keep moving ahead with that option as we never get a chance to come back and take other option that we have left earlier। कि हमारे पास लाइफ ऐसे नहीं है कि बहुत एक बारी जो चॉइस करनी थी वो चॉइस कर ली, उसके बाद बीच में छोड़ दी, चॉइस करिए तो बस वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा, स्टेंजा नंबर 4 तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तीन स्टेंजा के अंदर लाइफ आ गया, आपने दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और आपने अल्टीमेट विक्ट्री को हासिल कर लिया। अब अल्टीमेट विक्ट्री को हासिल करने के बाद आपकी क्या है, ये फोर्थ स्टेंजा। काफी और क्वेश्चन आता है हाउ फोर्थ स्टेंजा इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री स्टेंजा, पूछा जा सकता है, तो क्या बोलोगे कि फोर्थ स्टेंजा के अंदर हम लोग हमारी लाइफ की जो सक्सेस थी उसे हमने उसे हासिल कर लिया, अब हम बात करें हमारे चॉइसेस के ऊपर, ठीक है, काफी और होता है ना विनिंग स्पीच दीजिए, मैंने चालू ऐसे किया था, तो वही विनिंग स्पीच चाहिए, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइग, साइग मींस लाइक दिस, ओके, काफी और होता है ना कि आप अपने जीवन के बारे में बताए तो काफी लोग कहते हैं लाइफ लाइफ दिस इज अ साइग, ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ, ओके, जैसे कहते हैं ना, तो ये क्या है, एक सही है, ठीक है, दूसरी तरीके से आप अपनी लाइफ के बनाते हैं लाइफ लॉन्ग डीपली, क्योंकि लाइफ होती है सारे चैलेंजेस देती है ना लाइफ, कि एक बार में बोलोगे ना लाइफ लाइफ बहुत नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस करो, मजा लो लाइफ के अंदर, चैलेंजेस आएंगे उसी चीज का तो मजा है, ठीक है। ओके समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो कह रहे कि कभी एक वक्त आया था एजेस एंड एजेस हैंस की, कोई एक वक्त होता था समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि जब मैं उस पॉइंट पे खड़ा था जहां पे मुझे चॉइस करनी थी, एज ए रिजल्ट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, उस टाइम पे जहां पे मैं खड़ा था दो रोड्स थी जो एक साइड जा रही थी कि मुझे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, एक साइड जा रही थी कि मुझे पॉइंट बनना चाहिए, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो वाली रोड चूज करी जहां पे कम से कम लोग जाते हैं, यानी कि कौन सी, द रोड ऑफ बिकमिंग अ पॉइंट, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जो भी हूं उस डिसीजन की वजह से हूं, क्योंकि मैंने उस दिन वो सही रोड को चूज किया, मैं भेड़ चाल में नहीं चला, मैंने सही डिसीजन लिया और सही डिसीजन ने मुझे आज कहां से कहां पहुंचा दिया, ठीक है। लास्ट की एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत बहुत बढ़िया पोएम है यार, ऐसी पोएम्स होती है ना जो दिमाग पे जोर डालती है कि सोचने में मजा आता है कि अब भी बोलने के जाते हैं। He says that in the future, the poet with a deep breath, he will stay in, आजा काके नीचे आजा, okay, he shall be telling with a deep breath, he will say that he had reached a point in life that there was no, okay, that there was two options for him and he traveled the road which had been traveled upon by a few people and the decision made so far, okay, so much of difference, yani ki jo unhone decision liya uske wajah se to aaj wo wahan pe hain, agar dekha jaye Mahabharat ke yuddh ke andar, agar Arjun jo the Mahabharat ke yuddh ke andar, Arjun wo decision nahi lete, agar kisne bhagwan ki jo raaye thi wo na sunte aur wo decision nahi lete ki main apno ke khilaf khada hunga, to kya Mahabharat ke andar Pandav kabhi jeet pate, nahi jeet pate, क्योंकि आपको चॉइस बनाना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आगे क्या होने वाला है। आजकल हम आगे की पहले सोचते, डिसीजन नहीं बनाते। मैं आप लोगों को बार बार यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत लाइफ के अंदर डिसीजन लो, ऐसा टफ पार्ट चूज करो जो 99% लोग नहीं चूज करते, क्यों, क्योंकि वो टफ है और वो 99% लोग चूज नहीं करते, तो आप लोग वहां पे ही साइन करोगे, चांसेस हर किसी के कम होते हैं, लेकिन एक ही जिंदगी है, उस एक जिंदगी के अंदर नहीं किया तो भाई क्या करोगे फिर, वापस कहते हैं एक इंसान और दूसरे इंसान, कहते हैं इंसान के साथ जन्म है, लेकिन जो पहला जन्म और दूसरा जन्म है ना उसके बीच के अंदर एक पुल लगता है, उस पुल के ऊपर पता क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि आज हम मरे, जैसे फिल्मों के अंदर नहीं दिखाते, आज इंसान मर गया और दूसरा अगले जन्म के अंदर वापस पैदा हो गया, कि जैसे 12 बजे वो मरा, 12 बज के 1 मिनट पर उसका दूसरा जन्म हो गया, रियल लाइफ के मतलब जो एक्चुअल के अंदर पुराने के हिसाब से एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच में ब्रिज आता है, उस ब्रिज के अंदर पता क्या होता है, जैसे होता है ना एक ब्रिज, ये देखो ये आप, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट जन्म सेकंड जन्म, ये पहले और दूसरे जन्म के बीच में ब्रिज है, और ब्रिज के अंदर होते हैं ना ऐसे फट्टे,
तो ऐसे इस ब्रिज के ऊपर भी एक फट्टे हैं, ठीक है। अब इन फट्टों का क्या रोल है, आपने पहले फट्टे पे कदम रखा, आप एक जानवर के रूप के अंदर पैदा हुए और ऐसे करते करते कभी चींटी कभी गाय कभी बैल कभी कुछ ना कुछ ऐसे कर करके आपके जितने भी ब्रिजेस इसके ऊपर है ना, ये स्टेप्स, इन सारे स्टेप्स के ऊपर एक अलग जन्म है। तो आपके है तो सात जन्म ही, लेकिन इन सात जन्म को बीच में पूरा करने के लिए आपके सामने क्या आता है, एक ब्रिज आता है। क्या आता है, ब्रिज आता है। और जैसे इस ब्रिज के पहले फट्टे पे पैर रखा, एक जन्म मिला, और जब उस जन्म को खत्म करोगे तब उस ब्रिज के ऊपर आओगे, उसके बाद फिर से एक और कदम रखा। इस तरीके से करके इंसान का जन्म मिलता है। बहुत मुश्किल होता है इसे आमतौर पर अपनी जिंदगी को ऐसे मन टपा देना। आगे देखते हैं। ओके, इन द सेम वे व्हेन यू आर ओल्ड, जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर वो जो चीज है उसे कर लोगे, आप ओल्ड बन जाओगे, यू विल से दैट वे बैक व्हेन यू वर यंग एंड यू हैड टू ऑप्शंस, द चॉइस दैट यू मेड यू। यानी कि जब आप बन जाओगे ना, जब आप ये डिफिकल्ट पाथ चूज करने के बाद, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे डिफिकल्ट पाथ को चूज करने के बाद उस विक्ट्री को हासिल करोगे ना, तब पता क्या कहोगे, मैंने जो उस दिन चॉइस करी थी उसी वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ। अगर उस दिन मैं चला जाता उस बात के ऊपर, तो मैं आज उस तरीके का नहीं बन पाता, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो मेरी चॉइसेस की वजह से। ठीक है, दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज है, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द ऑप्शन। सही चॉइस करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड ऑन द चॉइसेस दैट यू मेड। मैंने अभी भी कहा है कि बहुत चॉइसेस जो है उनके ऊपर ही आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा। अगर बढ़िया फ्यूचर चाहते हो तो डिफिकल्ट चॉइसेस करो। डिफिकल्ट मतलब ऐसे नहीं जान पूछो डिफिकल्ट, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं डिफिकल्ट, जहां पे आपको लगे कि यार मैं दुनिया से अलग चल रहा हूँ, जिस दिन मान लिया ना मैं दुनिया से अलग चल रहा हूँ, उस दिन जीत। ठीक है, चलो कुछ पोएटिक डिवाइसेस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, काफी बार वैसे पोएटिक डिवाइसेस आने की कम चांसेस है, पर फिर भी बता देता हूँ। राइम स्कीम की आपकी ए बी ए ए बी ये भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी नॉलेज काम आएगी। मेटाफर है, मेटाफर का मतलब क्या होता है पता है, मेटाफर का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करना, कंपेयरिंग टू थिंग विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स, कंपेयरिंग टू थिंग्स। लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स होता है ना एज और लाइक, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज, ओके, नो यूज ऑफ लाइक एज। जैसे हमने कहा ना दो रोड्स किसे सिग्निफाई करना है, डिसीजन और चॉइसेस को, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछो एज और लाइक का अगर इस्तेमाल हो तो वो सिंपली बन जाता है, ठीक है। रिपीटेशन बार बार वर्ड्स का रिपीट होना, समवेयर एजेस एंड एजेस, यहाँ पे एजेस एंड एजेस वर्ड रिपीट हो रहा है, एनाफोरा मींस स्टार्टिंग टू लाइंस विद द सेम वर्ड एंड, ठीक है। With this we came to an end of this video. Thank you guys. Jai Hind. काफी लिखना पड़ता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस अच्छी लगी होगी, आपके दिमाग के जो घोड़े हैं थोड़े बहुत चले होंगे, आप लोगों को समझ में आएगा लाइफ के अंदर कैसे डिसीजन लेते हैं कैसे नहीं लेते। टिल देन मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बॉस, क्योंकि हम लोगों को अगली बार भी अच्छे से पढ़ना है। जय हिंद।